हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। और सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है मेरी टिप्स आपके काम आ रही होंगी। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड्स, कि बारिश के मौसम में हम अपने घर में करेले को किस तरीके से उगा सकते हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट है घर पे बनी हुई, तो पहले हम इसमें कंपोस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेंगे। जिससे जब मिट्टी थोड़ी सी पोरस हो जाती है तो सीड्स को बढ़ने में स्पेस मिल जाती है। और सेम ऐसे ही मैंने दूसरी वाली पॉलिथीन भी तैयार करके रखी है। ये देखिए, ये मौसम सबसे अच्छा होता है करेले को उगाने के लिए, क्योंकि करेले को ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट सॉइल चाहिए, मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने भिगा के रखे हुए थे करेले, अभी थोड़ा हवा में सूख चुके हैं ये। आप भी भिगा के लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और करेले को हम करीबन 1-1 इंच गहरे लगाएंगे। पहले से ही हमने खाद डाली है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा से इसमें 15 से 20 दिन खाद की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम नहीं भी डालेंगे अभी तो चलेगा। हमने इसमें करीबन 6 से 7 सीड्स लगाए हैं और इसको हम दबा देंगे। और ये जो बाकी के बचे हुए सीड्स हैं, ये हम इस वाली पॉलिथीन में लगा देंगे। ये हम हमारी करीबन 6 महीनों की फसल होती है करेला जो है। और करेले को अभी फुल सन जो है तो नहीं होता है, धूप तो कम होती है, लेकिन जो गर्मी और नमी चाहिए वो बारिश के सीज़न में उसको भरपूर मिलती है। और आप देखेंगे एक हफ्ते से 10 दिन में इसके पेड़ निकल आएंगे। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो आप इनको सहारा देकर बेल के उसमें आप चढ़ा दीजिए और अपने ही घर में आप करेले लीजिए। तो अगले कुछ नए टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच में आती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।